हे हेलो। सो हम लोग हैं रामनगर में, हमारे इस रिजॉर्ट का नाम है द गोल्डन टस्क। हम लोगों ने लग्जूरियस टेंट लिए हैं जिसमें हम रह रहे थे। कायरा के लिए अच्छा एक्सपीरियंस है टेंट में रहना। अगर आप नॉर्मल रूम्स लेना चाहते हैं तो आपको यहाँ पे रूम्स भी मिल जाते हैं। सो हम लोगों ने किया ब्रेकफास्ट साउथ इंडियन प्लस थोड़े से कटलेट्स, एंड उसके बाद हमें दिख गए यहाँ पे मंकीज जो कि कायरा देख के बहुत खुश। सो ये है हमारा टेंट एंड देखो उसके पास मंकी है। सो वी वर वेटिंग कि ये यहाँ से जाए तब हम लोग जाएँ। सो कायरा के साथ मिष्टी भी आ गई एंड बहुत खुश थे ये लोग। इन्होंने बोला कि चलो जाने से पहले एक बार और झूला झूलना है, देन हम लोग प्ले एरिया में चले गए। इस रिजॉर्ट की एक सबसे अच्छी बात मुझे लगी, इस रिजॉर्ट की एंट्री में एक मंदिर है एंड हम लोग वहाँ पे गए। सो कायरा और मिष्टी को वहाँ पे जय करनी थी, सो उन लोगों ने थोड़े से आशीर्वाद दिया। फिर मैंने इन बच्चों को कहा जरा फोन पकड़ो एंड मेरी फोटो क्लिक करो, तो देखा तो वीडियो ही बन गई एंड इन लोगों ने इंजॉय किया। खूब मजेदार यहाँ पे जगह है ये। ऐसा नहीं कि बच्चों के लिए खेलने के लिए, बड़ों के लिए भी स्पोर्ट्स खेलने के लिए यहाँ पे काफी सारी जगह है। बहुत सारे स्पोर्ट्स भी यहाँ पे खेल सकते। ये टाटा बाय बाय इसलिए हो रहा है क्योंकि हम लोग वापस देहरादून जा रहे हैं एंड मिष्टी और जा रहे हैं लखनऊ अपने घर। यहाँ से हम लोग चल दिए देहरादून की तरफ। फिर आप लोग अगर मुझे फॉलो करते हैं तो आपने ये गंग नहर पे इस रेस्टोरेंट के बारे में बहुत मेरी वीडियोस में देखा होगा। हमें बहुत ही डिलीशियस लगता है यहाँ का खाना, बिल्कुल देसी ढाबा स्टाइल, बहुत ही यमी स्पाइसी मज़ेदार चट। मैंने तो अपने कितने ही रिलेटिव्स को यहाँ पे भेजा है खाना खाने जो लोग इधर के एरिया में रहते हैं। सो वो आते जाते ज़रूर यहाँ पे रुक। इसके बाद वाया हरिद्वार हम देहरादून पहुँच गए।